हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज शायद हम ताजमहल जा रहे हैं। हाँ शायद सुबह का टाइम है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो मैं ऐसे अपनी छत पे आया था चिड़ियों को बाजरा डालने। ये देखो अभी तो सिर्फ छत पर मोर नहीं आई है, और भी चिड़िया आएंगी अभी। और सूरज देवता तो ठीक हमारे घर के सामने से उगते हैं। आओ आपको उनके दर्शन कराता हूँ, इस पर चढ़ के दिखाता हूँ बढ़िया तरीके से। जय हो सूरज देवता। बाजरा खत्म हो गया तो भैंस के तवेले से लेने चलते हैं, क्योंकि घर के पीछे ये देसी पर्दा है जो हम जीने के ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि ठंडी ठंडी हवा भैंस को ना लगे। ये खड़ी भैंस और ये परी भैंस के बच्चे के साथ खेल रही है। वाह, ये एक स्टोर रूम जैसा कमरा है जहाँ पर बहुत सारी देसी चीजें रखी रहती हैं, जैसे बाजरा। ये है कुड़कुड़िया, इंग्लिश में स्टूडियो को डव बोलते हैं। और हाँ, घर का काम वाम सब हो चुका है, सबसे पहले वही करना होता है। ये हेयर ड्रायर हमारे परिवार के एक अमीर सदस्य छोड़ गए थे, काफी बिजली खाता है ये छोटा वाला। बगल के घर से भाभी से मांग कर लाई है, कम बिजली खाता है। और अब मुझे अपनी बहन राखी को उसके स्कूल छोड़कर आना है। भैया की बुलेट है, ताजमहल चलने के लिए मांग कर रखी है। रास्ते में पनावर रोड मिलता है, जो अपनी बहन नाम है स्कूल छोड़ने आता है, दोनों एक ही स्कूल में जाती है। स्कूल में डांस करेंगे ना प्रोग्राम में, और चश्मा घर पर भूल आया। ये देखो महान से बढ़कर महान। जय हर जय। आ तो चलाओ लौट के जल्दी यार, लेट है वैसे ही आ रहे। अरे काब काबी मारिए जी। स्कूल में इसकी डांस परफॉर्मेंस है चश्मा पहनकर, और चश्मा घर पे भूल आई है। वाह, आओ तो ना भूलेगा जो तुम। चलो आओ तो जल्दी। इस बार एक बोनस मिलता है कि इस परी को इसके स्कूल छोड़ते हुए जाना है। और फाइनली ये दोनों अपने स्कूल पहुंच ही जाती हैं। इसे ट्रैक सूट रखने को दिया था। आज किसी भी हालत में ताजमहल जाना है बस। मैं तो रेडी हो चुका हूं, अब बस उन लोगों का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से वो आए और फिर हम यहां से हो जाए राफू चक्कर। और फाइनली ये सभी अपने दिमाग में खुजली मचलाते हुए आ ही जाते हैं। वाह कितना कमाते हो। 300 पैरा तो जी लगेगा जोमेटो वाले साथ जाते। कितना कमाते हो भैया? 500 कहाँ है, हम तो जाते ज्यादा कहाँ है। तो आज फाइनली सभी लोग रेडी है, किसी की वजह से कोई प्लान कैंसिल नहीं रहा, और हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। यार ठीक है, जाने से पहले थोड़ा दही। तो आज हम चलते हैं आज ताजमहल, तो देखते हैं कैसा बनना है वो आज। और यहाँ सभी की लार टपक रही है इस बुलेट को चलाने के लिए, सभी अपनी अपनी काबिलियत गिनाने में लगे हुए हैं। मगर मांग कर मैं लाया हूँ तो चलाऊंगा भी मैं। और आखिरकार घर से प्रस्थान कर ही देते हैं। धीरे धीरे हम ताजमहल के नजदीक आते जा रहे हैं। पहले पार्किंग में आए हैं। बता गाड़ी का नंबर होता यूपीएससी चोरी चोरी हम। अरे आ गई तुम्हें गाड़ी है, आन दो भाई। पीछे का नंबर बता, पीछे का नंबर। अरे पीछे का बता, चल नंबर बता भाई। 9266 666 है, 666 है। हे भगवान, सद्बुद्धि दो इन्हें। कम ऑन यही कपड़ा ना पकड़ रहा, फट जाएंगे यार। टोपी लेओ गुलाबी, मुझे तो भी दबा दो। अंपायर बना दो अंपायर। ओए टोपी सिर पर है तो आवाज को कम है। भैया तुम्हारे घर में इतना रोकना करते, भगवान कसम बहुत और रोकना। इतना तो बच्चा बन जाए तो बच्चा ले ले, तो बच्चा बच्चों नहीं लगता होंगे, बच्चे ना समझा देता हूँ, समझ जाएंगे। पानी की टंकी पर कर क्या रहा है?
अरे फाइनली हम ताजमहल में प्रवेश करते हैं बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से। काफी चमचमाती धूप है आज। ये है ताजमहल का पूर्वी गेट, मेन गेट भी कह सकते हैं क्योंकि ताजमहल के जस्ट सामने वाला गेट है। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो मुझे टूरिस्ट प्लेस ज्यादा पसंद नहीं, मतलब ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह। चलो थोड़ा सिनेमैटिक शॉट लेकर कूल बनता हूँ। अरे हाँ अब ठीक है, ये देखो सामने ताजमहल। भीड़ भी यहाँ पे काफी ठीक ठाक है मगर संडे को बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, और आज तो खैर सैटरडे है। पूरी मैया ना पे हमारा कुम्मो का मेला। मैं काय लगी चोटी कर रहा हूं चोटी। और यहाँ हमारे ठीक ठाक बंदे को रोजगार मिल जाता फोटो खींचने का। ताजमहल तो हम आ गए, कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है, और यहाँ पे आपको सच बताऊं इससे भी ज्यादा कोई खूबसूरत चीज है तो वो है तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। भैया पास चल रहे हैं ताजमहल के यार। चलो 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 बर्बाद है। पानी का मिट्टी का तेल ज्यादा लग रहा है, बेस पूरा नीला नीला कर दिया है। अरे शाहरुख खान के कॉम्पिटिटर तो यहाँ है भाई, हगने वाला पोज भी नहीं देना था। अरे सब चलता है, ठीक ठाक बंदा क्या देता है ताजमहल को खाने वाला पोज। ताजमहल को हाथ पे उठा रहा है अब। ये दोनों भी ताजमहल को उठाने वाला पोज दे रहे हैं मगर। देखो इन्हें ये हे भगवान, मैं इनके साथ नहीं हूँ। सच बताऊं तो ऐसी परिस्थिति में मुझे इनसे दूरी बना लेना बेहतर लगता है। मैं जा रहा हूँ, आई तो है पास से दूर। हम जैसे जैसे ताजमहल के नजदीक आते जा रहे हैं ये बड़ा होता जा रहा है। ये क्या है, मेहमान खाना? खाओ ये। ताजमहल को अपने साथ प्रेम लेने की कोशिश करता हूँ मगर समाई ना रहा यार वो कैमरा में आया। पता नहीं क्या समझौता चल रहा है इनके बीच। बंदरों से दूर रहे, दुर्रे वाते दुर्रे वाते। कोई फायदा थोड़े ना ऐसा कुछ कहने का। ये लापता हो गया है, इसको कृपया ढूंढ के बताया है। श्री राम। ये तो ताजमहल के बगल वाला गेट है और यहाँ पर ज्यादातर लोग रील्स वगैरह शूट करने आते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा लड़की यहाँ पर चुनरी लेके भाग रही है या लहंगा पहन के घूम रही है। बहुत सारे प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं। बाहर रहा हूँ मैं तो। मैं फिर ठेस बुद्धि को समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार थोड़ा देख लिया कर इधर उधर भी, चार लोग क्या सोचेंगे, खैर कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो ताजमहल यमुना मैया के किनारे पर स्थित है, आप लोगों को पता ही होगा, कोई नई बात नहीं बता रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हिस्ट्री की किताबें पढ़ लो। मैं तू सुधरेगा। और हमारे देश का कोई जिम्मेदार नागरिक अपनी छाप छोड़ कर गया है, इसके और नजदीक आते जा रहे हैं, ये और बड़ा होता जा रहा है। नाइस। कृपया यहाँ पैसे ना डालें, इसका मतलब तो यहाँ पैसे डालने डालने पड़ेंगे, बहुत पैसा अपने नागरिकों के पास। फिरंगी लोग अपने भारतीय कल्चर में। नाइस भैया, ऊपर चल रहे हैं ऊपर। ताजमहल के ऊपर जाने के लिए हमें ऐसे जूतों के ऊपर नीले मोजे पहनने पड़ते हैं, और वहाँ जाने के लिए 200 रुपए अलग से टिकट है। और यहाँ पर शूटिंग करते हुए सुंदरियाँ, एक और सुंदरी, बड़ी भयंकर हवा चल रही है। और ये हम ताजमहल के ऊपर वाले हिस्से पर आ जाते हैं जिसमें शाहजहां और मुमताज की कब्र बताई जाती है। इसमें फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ठीक है बाद में। मैंने चोरी छुपी हल्की सी वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि लोग वहां पर अपनी फियांसी का नाम चीख रहे थे और ये पता नहीं क्या चीख रहे थे। स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए ताजमहल आए हैं, ये नहीं है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कूल बनता हुआ। हाय, इनके संग कहीं भी जाता हूँ तो ऐसा लगता है स्कूल के छोटे बच्चों के संग जा रहा हूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। हाँ घर पे। हाँ चलते हैं। ये की। हाँ हाँ। ठीक है। हेतु चोटी पकड़ने वाला पोज देता हुआ, कोशिश पूरी है मुझ पर नहीं एंगल बनना।
ठीक है आया ले चल। हाँ ठीक है आजा पकड़ ली। मगर तभी इस भीड़ का सैलाब लेते हुए हमसे कोई मिलने आता है। हाँ हमसे कार्तिक आर्यन और कृति सनन। भाई मैं इधर खड़ा हूँ, देखो देखो इधर। बाद में फुर्सत से मिलेंगे हमसे। यहाँ पे कार्तिक आर्यन कृति सनन आए थे, लेकिन बहुत सारी भीड़ थी, उनका आने का समय था, हमारा जाने का समय। फायदा क्या है, फोटो लेने पर गूगल पे लेके एडिटिंग करता हूँ। ये ठेसु। फिर हम पार्किंग से अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ से रफू चक्कर होते हैं। आयो बवासी होटल, सॉरी बेवरेजेस। ज्यादा कुछ ना सोच के पहली बार इस अमीरों वाले रेस्टोरेंट में आने की हिम्मत जुटाता हूँ। ओ तो ऐसे दिखते हैं अमीर लोग, ये नहीं ऐसे, थोड़ा धक धक हो रहा है, अब जो होगा देखा जाएगा। पानी पीकर आधा पेट भर लेता हूँ, मगर इनकी एक्साइटमेंट तो आप इनके चेहरे पर छाई हुई लाली से लगा सकते हैं। काफी अमीरावारिक माहौल है। पता नहीं क्या लिख रखा है, पेन्ना अरबी आता फुट्टू किनो अल्फ्रीडो। ठीक ठाक बंदे से ऑर्डर करने को बोला था, बस मशरूम पड़ कर ऐसे पता नहीं क्या तुक्के से ऑर्डर कर दिया है। ये क्या मेथी ऐसे पराठे मंगा लिए। इन पे चैन से कुछ भी खाया थोड़ी ना जाएगा। और मैं फिर पेट भरने के लिए मेन खाना मंगाता हूँ। खाने में कढ़ाई पनीर, बटर पनीर और बटर नान होते हैं। जो भी मंगाया है हम उसका कड़कड़ साफ कर देंगे। चैन से भरपेट खाना खाने के बाद तो भैया पीनो ना है। और अंत में आई फिर बिल पे करने की बारी। इतना भी बिल नहीं बना था जितना मैंने सोचा था। क्या मतलब इतने महंगे रेस्टोरेंट का खाना हमें पच तो जाएगा ना। और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने का सपना पूरा करके हम यहाँ से सीना तान कर चल देते हैं। मगर तभी मेरी बहन राखी का फोन आता है कि उसे स्कूल से लेकर आना है। तुम सब जाओ, मैं जा रहा हूँ, ऑटो ऑटो से चले आओ। ठीक है, हाँ गाड़ी से जाओ, मैं राखी ले भी जा रहा हूँ। अब संग तो पुनावड़ भी जाएगा क्योंकि नामिका को भी लेकर आना है। तो बिना ज्यादा समय व्यर्थ करके हम दोनों उनके स्कूल पहुंच जाते हैं। और इनके स्कूल में आज क्लास 12th का फेयरवेल था। ये सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और ढलते सूरज के साथ ये भी इस स्कूल से ढल रहे हैं। और फाइनली हम घर चल देते हैं। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में।